अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी बच्चों के लिए, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी नई रेसिपी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे, इसमें आप 4 टीस्पून शुगर ली है, या आप अपनी मर्ज़ी से भी शुगर ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जितनी आपको पसंद हो, हल्की खाते हो, तेज़ खाते हो, जिस हिसाब से आपके बच्चे पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शुगर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है, जितने अच्छे बीट होंगे अंडे उतने अच्छे आपके फ्रेंच टोस्ट बनेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ मैंने ऐड किया है 1/2 कप मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह दोबारा बीट करेंगे। बीट कर लिया हमने, हमारा बैटर तैयार है। अब यहाँ पे अब हम इसके पैन के अंदर, ग्रिल पैन में मैं बनाती हूँ, मुझे ग्रिल पैन में थोड़ा टेक्सचर अच्छा आता है पीसेस का, तो मुझे अच्छा लगता है। फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो। और अब मैं यहाँ डिप करूँगी पीसेस को बहुत ज़्यादा देर सोक नहीं करना बैटर में, वरना बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगे। थोड़ी देर करें, एक दो सेकेंड, और उसके बाद पलट के पैन में रख दें। और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं, अब देखते हैं कैसे बनते हैं। और ये बहुत प्यार से, मोहब्बत से इसको डील करें। जितने आप खाने में प्यार और मोहब्बत डालते हैं, जितने आप प्यार से बनाते हैं खाना, उतना ही मज़ेदार बनता है खाना। तो यहाँ पे बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत झटपट आसान रेसिपी है और बजट फ्रेंडली है। बजट में रहते हुए आप आराम से इसको बना सकते हैं, आप सर्व करें। और इसका ख्याल रखिएगा कि टूटे ना, क्योंकि सर्विंग के टाइम पे फिर अच्छे नहीं लगते टूटे हुए, या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो, जले ना ये। तो बहुत ज़्यादा देर भी नहीं सेकना, देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो इसी हिसाब से इतना ही सेकना है इसको, इतना ही पकाएं इसको, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, मीडियम फ्लेम पर इसको बनाएँ, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मैं इसको टर्न कर रही हूँ, पलट रही हूँ, और ये देखें कितना प्यारा प्यारा कलर आ रहा है ना। तो इसी तरह से आपको ख्याल रखना है, इतना ही प्यारा कलर आए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करिएगा, वरना सारी खूबसूरती फ्रेंच टोस्ट की ख़राब हो जाती है। फ्रेंच टोस्ट तकरीबन बन गए हैं, मैंने इसमें तकरीबन 2 अंडों में 6-7 पीस बनाए थे, ये 4 आपके सामने हैं, बाकी इसके अलावा बैटर जो बचा था उसके और पीस बने। तो बहुत ही अच्छे पीस बन जाते हैं इसमें 2 अंडों में, और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी इस महंगाई के दौर में, झटपट बनाएं और झटपट खाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपी मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।